भैया मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, पता है मैंने ना पूरा दिन हो गया मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे पेट में ना चूहे कूद रहे हैं, मैंने कुछ नहीं खाया। भैया मेरे को थोड़े से पैसे दे दो आप। ठीक है अभी बाहर जाओ, अभी बिजी हूं। 10-20 रुपए दे दो भैया, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। अरे तुम्हें सब जानता हूं, 10-20 रुपए के लिए तुम आते हो फिर पैसे ले जाके कुछ ना और काम करते हो, सब जानता हूं। नहीं भैया मैं, तुम्हारा रैकेट चलता सब पता है मुझे। चलो रैकेट नहीं चलता भैया, वो लोग अलग हो गए। लेकिन पता क्या है, मैं आपको सच बताऊँ तो मेरे ना घर पे मेरे पापा की तबियत बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा फिर मम्मी की तबियत खराब होगी? नहीं, भाई की भी तबियत खराब होगी? नहीं, मम्मी की तबियत पापा की बहुत ज्यादा खराब रहती है, वो दो हॉस्पिटलाइज है और मुझे हॉस्पिटल जाके उनका इलाज कराना है। तुम लोगों ना सारा पता है मुझे, तुम लोग ऐसे खाली ड्रामे करते हो और कुछ नहीं। ड्रामे नहीं करे भैया, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। आप मुझे कुछ मत खिलाओ, मैं भूखे पेट चली जाऊंगी। लेकिन आप थोड़े बहुत इतना थोड़े बहुत पैसे दे दो कि मैं अपने पापा मम्मी का इलाज करा लूं। माफ करो मैं 1 रुपया दे सकता। आपको पता है ना मम्मी पापा से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता लेकिन मुझे सब पता है, आपके भी तो माँ बाप हो गए ना। तुम लोग कुछ नहीं करते, आपके परेशान करते हो। आपके भी तो माँ बाप हो गए ना, आप कितना प्यार करते हो। ऐसे दुनिया नहीं है कि हम लोग ऐसे बस भीख मांगते फिरे कहीं पे भी जाओ। थोड़े बहुत पैसे दे सकते मुझे कि इलाज करा लूं मैं उनका। बहुत ज्यादा परेशान हूँ भैया, मैं अपने माँ बाप के बिना नहीं रह सकती। मैं ड्रामे नहीं कर रही, मैं आपसे बस पैसे मांग रही हूँ इलाज के लिए। थोड़े बहुत दे दो आप मुझे, 1500-2000 पैसे बस। 2 दिन की दवाई आ जाएगी ना उनका। अरे ऐसे आने कैसे तुम लोगों को भैया? मैं हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मेरे को थोड़े बहुत पैसे दे दो। फर्क नहीं पड़ता, थोड़े बहुत दे दो, मैं इलाज करा दूंगी तुम लोगों के लिए मेरे पास। ठीक है आप तुम मांगो, कल दूसरा आएगा फिर सबको मैं दान पेटी में बेचता हूँ। अरे हटो यार, थोड़े बहुत दे दो भैया, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रही बस। आप मुझे ना, आपको भरोसा नहीं है ना मेरी बातों पर, आप हॉस्पिटल चल लो, मैं आपको दिखा देती हूँ। इतना टाइम है कि मेरे पास, तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाऊं? नहीं, आपको लग रहा ना मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं बाकी सब भिखारियों की तरह हूँ तो मैं ऐसी नहीं हूँ ना। किसी और को बना दो कि बाप, तुम्हें क्या पता है, हमें सब पता है यार तुम्हारे सारे। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे मम्मी पापा हॉस्पिटल में। बाप किसी आंटी को बना दो, माँ सब पता है मुझे। आपको पता ना नौकरी भी नहीं देता आज के टाइम में, और कोई ऐसे कपड़े मेरे पास कपड़े भी नहीं, ऐसे कपड़े नौकरी भी नहीं देता। तो भैया ना मेरे पास पैसे नहीं है ना कपड़ों के लिए, पैसे ही तो नहीं है मेरे पास। पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, यही तो सारी दिक्कत है। अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं पैसे। बेटा गांव जाओ, गांव में काम करो, वहाँ पे रहो, समझ रहे हो ना कोरोना के चक्कर में क्या हो रहा है गरीबों का हालत। चलो जाओ भैया, थोड़े बहुत पैसे दे दो, मैं मम्मी पापा का इलाज करा लूंगा। नहीं है यार मेरे पास, निकलो यहाँ से, देखो गाड़ी वाड़ी गिर जाओगी कहीं, मर जाओगी, निकलो। थोड़ा बहुत तो दे ही सकते हो आप, इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? अरे यार एक छोटी कौड़ी नहीं मेरे पास, ठीक है महंगे कपड़े पहने आप, आपके जूते भी ब्रांडेड, आपकी शर्ट भी आपके, दम पे लिया मैंने, आपके पास कुछ दम पे भैया। तो आप पढ़े लिखे हो इसलिए तो आप पैसे कमा रहे हो ना, हमारे पास तो इलाज के लिए पैसे नहीं है मम्मी पापा के लिए। मैं आपसे कोई भीख थोड़ा मांग रही हूँ, मैं बस किसी की जिंदगी बचाना चाहती हूँ जो मेरे माँ बाप है। तुम्हारा क्या जिंदगी बचाना चाहते हो? अगर आपके मम्मी पापा बीमार होते तो ट्रेन में भी तुम भीख मांगने आते, ऐसे करते हो बस में जाओ, बस में भी तुम ऐसे करते हो। आप एक बात, तो अगर आपके मम्मी पापा बीमार होते हॉस्पिटल में तो क्या आप उनका इलाज ना करते यार? मैं भी तो किसी की बेटी हूँ ना, थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हो ना आप। क्या थोड़ा बहुत? मैं आपसे ज्यादा नहीं मांग रही, आप थोड़े बहुत ही कर दो कि मेरे को 1500-2000 दे दोगे, मैं ना दवाई ले लूंगी सामने मेडिकल से। मैं दूं? मुझे वैसे भी डेट पे जाना है, अब मेरी गर्लफ्रेंड वेट कर रही है, जाने दो। तो मतलब आपके पास डेट के लिए पैसे है, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पैसे है, उन पे फालतू में उड़ाने के लिए है? फालतू में नहीं है, वही जिंदगी है मेरी, पता तुम्हें। और मेरे माँ बाप के बारे में थोड़ा तो सोच लो, आपके भी तो मम्मी पापा हो गए ना घर पे, अगर वो कल को बीमार होते तो ठीक है, अगर बीमार हो तो मैं देख लूंगा, ठीक है। मतलब आपके पास अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पैसे है, उनको चाय कॉफी पे ले जाने के लिए है, लेकिन किसी की जिंदगी बचानी है उसके लिए आप थोड़ी मदद नहीं कर सकते? अरे यार कैसे हो यार, समझे गर्लफ्रेंड मेरे लिए? हाँ मेरे कपड़े अच्छे नहीं है, मैं भिखारी हूँ इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो ना? हाँ तुम हो, और कुछ सुनना है? भगवान ने आपको दिल नहीं दिया क्या? अरे यार मैं लेट, आपके मम्मी पापा होते तो आप ऐसे करते? मुझे तो ऐसा लग रहा है आप उन्हीं लड़कों में से हो जो अपने मम्मी पापा को ना अपनी गर्लफ्रेंड के लिए छोड़ देते हैं और उनके माँ बाप जिंदगी भर धक्के खाते रहते हैं। यही तो है, इतनी देर में तो आप मुझे थोड़े बहुत पैसे दे देते ताकि मैं दवाई खरीद लेती। ऐसा नहीं है यार, मैं बोला ना उसके लिए गिफ्ट लेना, मेरे को जाना है उसके लिए, बहुत कुछ करना है मुझे, समझी? किसी की जिंदगी बचाने से बढ़कर आपकी गर्लफ्रेंड? अभी नहीं है, देखो उसका कल बर्थडे है, मुझे जाना है अभी। आपको अच्छे से पता ना माँ बाप के बिना कुछ नहीं होता, थोड़े बहुत तो पैसे दे ही सकते हो यार, इतनी भी इंसानियत कहाँ मर गई यार लोगों में आज के टाइम में। अरे क्या इंसानियत लगा? मैं ये नहीं कह रही मैं भूखे पेट रह लूंगी, आप मुझे पैसे मत दो, मुझे कुछ मत खिलाओ, लेकिन थोड़े बहुत इतने पैसे दे दो कि मैं इलाज करा लूं अपने मम्मी पापा का। अरे यार परेशान मत कर, चल भैया मैं हाथ जोड़ रही हूँ भैया। अरे यार पैर पकड़ना छोड़ो, तुम लोग ड्रामे होते हैं यार, मुझे सब पता। भैया मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मेरे मम्मी पापा की तबीयत सच में बहुत खराब है, प्लीज भैया। हाँ खराब है ना, एक काम करो जाओ किसी मंदिर जाओ, वहाँ पे पक्का तुम्हें कोई दे देगा, तुम्हारी शक्ल देख के पक्का दे देगा तुम्हें कोई, मंदिर जाओ। अरे नहीं मंदिर बोला ना, मंदिर जाओ वहाँ मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, जाओ। पक्का जाऊं? आप नहीं दोगे? नहीं पक्का? थोड़े बहुत भी नहीं दोगे? नहीं दे रहा है। चलो 10-20 रुपए तो दे दो, मैं कुछ खा तो लूंगी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। 1 रुपया नहीं है मेरे पास और कुछ नहीं है। क्या यार कैसे लोग हो तुम, हद है यार।
आऊंगा थोड़ी देर में। भैया आपने सिर्फ एक किसी की जिंदगी बचाने के लिए ना उसको थोड़े बहुत पैसे नहीं दिए, ये देखो मेरे पास आईफोन 11 प्रो है, ठीक है, और तुम्हारी औकात से बाहर है। शायद ना तुझे मेरी औकात का पता नहीं है, पर मैं सिर्फ देखना चाहती थी, एक सोशल एक्सपेरिमेंट करी थी कि आज के टाइम में लोग गरीबों की मदद करते हैं नहीं करते। मुझे पता है यार गरीबों को पैसे देने से बढ़ावा मिलता है, लेकिन मैं तो सिर्फ माँ बाप के लिए ही मांग रही थी ना, मेरे माँ बाप बीमार है वहाँ पे मांग रही थी, लेकिन तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से बढ़कर कुछ है ही नहीं यार। शर्म आनी चाहिए यार तुम जैसे लोगों को। और औकात देखने वाली बात है ना, जो तू बोल रहा था भिखारी है तू, ये है तू, वो है, तो यार औकात का तो तुझे कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता तुझे, कौन हूँ मैं, कहाँ से आई हूँ, कुछ नहीं पता, सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रही थी और ये है मेरी औकात। आई समझ, चल निकल यहाँ से, और गाड़ी है मेरी साइड, चल आगे निकल पहली फुर्सत से। तू जैसे घटिया लोग ना दुनिया में मर जाना चाहिए, तेरे जैसे लोगों की वजह से ना क्या है कि माँ बाप को लोग छोड़ देते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। निकल चल पहली फुर्सत से, शर्म आनी चाहिए यार, कुछ नहीं है तेरे पास बोलने को, बेशरम इंसान, दफा हो चल। कैसे लगे आप लोगों को वीडियो, आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि तो प्लीज़ एक सोशल मैसेज होने वाला है बाकी सब लोगों के लिए। आज के टाइम में भी लोग भिखारियों के साथ कितना बुरा ट्रीट करते हैं आप लोगों को पता ही है यार, प्लीज़ वो भी भगवान के बनाए हुए एक इंसान है, उनके साथ बुरा ट्रीट ना करें। अगर किसी को ज़रूरतमंद को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो यार प्लीज़ उनकी थोड़ी बहुत मदद कर ही दो, ज़्यादा नहीं तो पैसे नहीं दे सकते तो यार कुछ खिला ही दो, प्लीज़ थोड़ा हेल्प करो लोगों की, इंसानियत अभी बाकी है, दिखाओ यार। और लाइक करना, अच्छी लगे तो शेयर करना, लव यू ऑल।